नमस्कार, आज मैं आम की मीठी चटनी जो कि उत्तर प्रदेश या दिल्ली के आसपास के इलाकों में बनाई जाती है वो बता रही हूँ। इसको मैंने इस तरीके से बनाने की कोशिश की है कि इसमें इसको हम फास्ट में भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, वो बड़े आसानी से इस्तेमाल हो सकती है। इसके लिए जो सामान चाहिए वो मैं बतला देती हूँ। ये तो आम है कच्चे, इनको मैं भी छीलती हूँ। ये इलायची है, ये जायफल है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। ये ज्यादातर तेजी बिल्कुल नहीं लाएगी और ये केवल कलर देगी और थोड़ा सा चटपटापन नाम के लिए। और ये नमक है, सेंधा नमक लिया है मैंने ताकि ये फास्ट में भी इस्तेमाल की जा सके। और ये चीनी है, मैं इसको छील रही हूँ। छीलने से पहले इसकी यहाँ पर ये हटा देना बहुत जरूरी है। इसके जो छिलके हैं, ये मैं छिलके दिखा रही हूँ, इसके छिलके रख लेते हैं। इसकी मैं एक दूसरी रेसिपी आपको जो इसका उपयोग है वो बतलाऊंगी। इनको रख के सुखा लेते हैं। ये मैंने छील लिए हैं चारों, अब मैं इनको ग्रेट करूंगी। सबको ग्रेट करना है। एक बात आपको और समझा दूं, जब भी हम ग्रेट करते हैं तो ये वाला पोर्शन इधर से इधर को ग्रेट करना चाहिए। इसके रेशे हमेशा इधर से इधर, तो उल्टा करेंगे तो सही नहीं आएगा और धागे धागे अलग बाहर निकलेंगे और आपको ग्रेट करने में मुश्किल आएगी। इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। मैं इसमें नमक मिला दे रही हूँ ताकि ये पानी छोड़ देगा थोड़ा सा, और नमक तो डालना ही है। वैसे तो चीनी भी छोड़ती है और ये भी छोड़ेगा जल्दी से। मैं इसको इसमें कढ़ाई में मैंने गर्म होने रख दी थी। पांच मिनट गैस बंद कर देती हूँ और इसका पानी छूटने देती हूँ। दो मिनट में पानी छूट जाएगा तो बस फिर इसको मैं गैस ऑन कर दूंगी। शुरू में तो हाई फ्लेम पे, फिर बाद में मीडियम पे पका लेंगे, जरूरत के आधार पे कितना पानी छोड़ा, कितना इसमें जरूरत है। अभी इसको दो मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। अब ये नरम होके इसने पानी छोड़ दिया है। अब मैं गैस ऑन कर देती हूँ और फिर इसको पकाती हूँ। गर्म होने पर ये और पानी छोड़ेगा। ये अब खदकने लगा है, इतनी देर ये पकेगा, अभी तो इसको पकाना काफी जरूरी है। और मैं ये इसको क्रश कर लेती हूँ। इलायची को मैं ज्यादा क्रश नहीं करूंगी, केवल इसको जायफल को मैं क्रश करूंगी ज्यादा। इनको केवल छेद के डाल दूंगी ताकि अगर निकालने का मन है तो निकाली जा सके। इसको मैं इसी में डाल रही हूँ ताकि इसकी खुशबू आ जाए, सब में मिल जाए। और इलायची जरा सा क्रश करूंगी और बस ज्यादा नहीं, ताकि इनको यदि निकालना पड़े तो निकाली जा सकती है। अब इसको हम पका लेते हैं, बीच बीच में चलाते रहना जरूरी है। और लाल मिर्च भी मैं अभी डाल रही हूँ। बहुत सुंदर रंग आ जाता है इससे। अब इसको पकने देते हैं थोड़ा, बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस रिलीज होते ही मिल जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप उसे लाइक कीजिए।
मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। बिल्कुल तैयार हो गई है, इसकी हम चाशनी चेक कर लेते। ये एक तार दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में ऐसे, तब ये तैयार हो जाती है। इसको ठंडी करके भर लेते हैं। अभी मैं इसको शिफ्ट करके दिखाती हूँ आपको। ये आपकी खट्टी मीठी उत्तर प्रदेश स्टाइल की चटनी तैयार हो गई है। साल भर रखी जा सकती है, प्रिजर्व है, कोई दिक्कत नहीं है, कतई खराब नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही, अगली रेसिपी तक के लिए नमस्कार।